आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज, पल पल की खबर। कलेक्ट्रेट में चपरासी के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर 60,000 रुपयों की नौकरी करने वाले आरोपी को जांजगीर जिले की डबरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम चुरतेला निवासी छेरका राम बघेल ने अपने पुत्र की नौकरी लगाने के नाम पर संतोष दास को यह रकम दी थी। पैसे देने के बाद भी जब नौकरी नहीं लगी तब प्रार्थी ने पुलिस से शिकायत कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में 420 का प्रकरण कायम किया और आरोपी को कोरबा के बांकी मोगरा से गिरफ्तार कर लिया। मामला वर्ष 2016 का है। प्रार्थी छेरका राम बघेल, पिता गंगाराम बघेल, उम्र 51 वर्ष, साकिन चुरतेला, थाना डबरा का, थाना आके रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इसके लड़के पुष्पेंद्र सिंह बघेल का वर्ष 2016 में कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर चांपा में भृत्य पद पर नौकरी लगाने के नाम पर अनाविदक संतोष दास महंत निवासी भैरोताल छुरा कछार द्वारा दिनांक 5/1/17 एवं दिनांक 21/1/17 को कुल 60,000 रुपये का ठगी किया है। आवेदन का जांच करके घटना सही पाए जाने से थाना में अपराध क्रमांक 36/21 धारा 420 का अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी की पता साझी किया जा रहा था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती पारुल माथुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय संजय महादेवा सर, SDOP श्री BS खुटिया सर के मार्गदर्शन पर आरोपी संतोष कुमार महंत को भैरोताल चूरा कछार थाना बाकी मोगरा जिला कोरबा से गिरफ्तार करके पूछताछ किए, जिन्होंने अपना अपराध करना स्वीकार किया है और आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24।